Assalamu alaikum viewers. Today's topic is flammable liquids. So we will talk about what are the flammable liquids, how we have to store them, what is the extinguishing media, और flammable liquids होते क्या हैं. So the major thing और आज इसकी वीडियो में देखेंगे कि flammable liquids को store करने का एक good plan क्या होता है. Number 1 पे आएगा control of ignition sources, proper storage, fire control and then safe handling. पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लिक्विड होता है क्या. हमारे जेनों में एक चीज़ है कि फ्लेमेबल और कम्बस्टेबल्स को हम एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं कि हर चीज़ कम्बस्टेबल को भी हम फ्लेमेबल कह देते हैं और फ्लेमेबल को हम कम्बस्टेबल कह देते हैं. तो डिफरेंस बिटवीन कम्बस्टेबल एंड फ्लेमेबल इज दिस कि जो भी चीज़ें फ्लेमेबल हैं उनका फ्लैश पॉइंट 37.8 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और जो चीज़ 37.8 डिग्री से ज़्यादा पर फ्लैश पॉइंट है दैट वुड बी कम्बस्टेबल. अब ये फ्लैश पॉइंट क्या होता है, तो हमें फ्लैश पॉइंट को जानने की ज़रूरत है. ऐसा टेम्परेचर हमें पता है कि हर मटीरियल में एटम्स होते हैं और एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हर मटीरियल एवेपोरेट करता है, चाहे वो चीज़ लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, हर चीज़ अपने वेपर ज़रूर बनाती है बट एट सर्टेन टेम्परेचर. अब हमारा सवाल ये उठेगा कि क्या पत्थर भी इवेपोरेट करते हैं, तो यस पत्थर भी और सॉलिड्स भी इवेपोरेट करते हैं और वो इवेपोरेट कब करते हैं जब उनका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है और बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचता है और वो हर चीज़ वोलेटाइल हो जाती है, वो हर चीज़ वेपराइज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो गैमा रेज के बारे में ये कहा जाता है या एटॉमिक वेव्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतनी हाई एनर्जी वेव्स होती हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी या कोई भी मटेरियल हो तो वो बिल्कुल वोलेटाइल, ह्यूमन बॉडी की रिमेन्स भी नहीं बचते हैं और वो टोटल का टोटल लिक्विड फॉर्म में फ्लैश फॉर्म में इवेपोरेट हो जाती है बॉडी. सो फ्लैश पॉइंट पे वापस आते हैं. फ्लैश पॉइंट वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर्स या उसके वोलेटाइल्स निकले, हवा में मौजूद हो और वो एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ मिलके ऐसा मिक्सचर बनाए जिसको अगर इग्निशन सोर्स दिया जाए तो वो मटेरियल आग लग जाए उसको, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट. अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो फ्लैश पॉइंट इज दैट लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड वेपर्स और वोलेटाइल्स evaporates and make a mixture with air oxygen to make a flammable mixture which can easily cause fire with the help of ignition source. Fire point वो temperature होता है जिस पे हल्का सा ignition source दे तो उस chemical को आग लग जाए. Auto ignition हम उस temperature को कहते हैं जिसके ऊपर एक flammable liquid है. For example petrol है, ईथर है, टोलोइन है, ऐसा केमिकल इथेनॉल है जो अगर ओपन डायरेक्ट सनलाइट या किसी ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ा है और कॉटन ड्रैग्स उसके साथ मौजूद हैं और टेम्परेचर इतना राइज होता है कि पहले तो उसके वोलेटाइल्स बनते हैं यानी फ्लैश पॉइंट तक पहुंचता है और टेम्परेचर फर्दर इतना इंक्रीज होता है कि वो ऑटोमेटिक इग्नाइट हो जाता है, तो उसे कहते हैं ऑटो इग्निशन. यहाँ पर जिन व्यूअर्स ने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनके लिए फायर ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आग हमेशा एक आग को हम डिफाइन करते हैं इट इज अ केमिकल रिएक्शन. ये 3 चीजों की मदद से मिलके लगती है. नंबर 1 जिसपे फ्यूल है, आपका फ्यूल लिक्विड सॉलिड गैसियस फॉर्म में हो सकता है, आपका फ्यूल लकड़ी हो सकता है, पेट्रोल डीजल गैस एलपीजी इथेनॉल, कोई भी चीज जिसको आग लगे चाहे वो फ्लेमेबल हो या कम्बस्टेबल हो, फ्यूल की मदद से आग लगती है. नंबर 2 पे आ जाती है हमारी ऑक्सीजन यानी एयर. ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में आग कभी भी नहीं लगेगी. एयर का होना जरूरी नहीं है, उसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है. ऑक्सीजन 2 केमिकल के रिएक्शन से भी प्रोड्यूस हो सकती है, ऑक्सीजन नेचुरल एनवायरनमेंट में भी मौजूद होती है. और 3rd चीज है हीट टेम्परेचर. हीट टेम्परेचर खाली चिंगारी से या माचिस से या आग से नहीं, हीट और टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन से भी हो सकता है, हीट और टेम्परेचर डायरेक्ट सनलाइट से भी हो सकता है, हीट और टेम्परेचर स्टैटिक चार्ज के फ्रिक्शन से भी हो सकता है. तो तब ऑटो इग्निशन में अगर हम ऑटो इग्निशन को समझना चाहें तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक मटेरियल के केमिकल के वेपर्स भी निकलेंगे और उस केमिकल के वेपर्स निकलने के बाद उसका फ्लैश पॉइंट रीच होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, फ्यूल वो इटसेल्फ है, वेपर्स उसके बन चुके हैं। आप उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए 5 पॉइंट से ऊपर जिसके ऊपर आग लग जाएगी। अगर वो टेम्परेचर डायरेक्ट सनलाइट में उसको मिल जाएगा तो वो ऑटो इग्नाइट होके मटीरियल जल जाएगा। अब LEL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट यानी वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड के इतने वेपर्स मिल जाएं कि अगर उसको एक हल्का सा स्पार्क, चिंगारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज शो करें तो वो एक्सप्लोड हो जाए। अपर एक्सप्लोसिव लिमिट वो लेवल, वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी मटीरियल के इतने वेपर्स निकलते हैं कि उसको अच्छा। अपर एक्सप्लोसिव लिमिट में एक ये चीज होती है, अगर आप अपर एक्सप्लोसिव लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो एक केमिकल के इतने ज्यादा वेपर्स निकलते हैं कि फिर उसको आग नहीं लगती, वो एक्सप्लोड नहीं करता। उसकी क्या रीजन है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। लेट सपोज एक कंटेनर है या एक रूम है और उसके अंदर एक रूम है, एम्प्टी रूम के अंदर एक फ्लेमेबल केमिकल पड़ा हुआ है। पेंटेन हो सकती है, हेक्सेन हो सकती है, इथेनॉल हो सकता है, कोई भी एक लिक्विड फॉर्म है और उसके वेपर्स निकल रहे हैं। वो वेपर्स इतने ज्यादा क्वांटिटी में हो गए हैं कि उसने ऑक्सीजन को स्क्वेंज कर दिया। हमने फ्लैश पॉइंट में अभी ये समझा कि फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें एक लिक्विड केमिकल के इतने वेपर्स निकले जो एयर के साथ इग्नाइटेबल मिक्सचर को बनाए। तो अपर एक्सप्लोसिव लिमिट में उस केमिकल के इतने ज्यादा वेपर्स निकलते हैं कि उस रूम में, उस कंटेनर में, वो सारी जगह वो वेपर्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन को टोटल स्क्वेंज कर देते हैं। अब अगर उसको स्पार्क भी मिलेगा तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सप्लोसिवली धमाका करेगा या आग पकड़ेगा। उसको एक एयर मिक्सचर चाहिए होता है, उसको एयर इग्नाइटेबल्स चाहिए होते हैं जिसके ऊपर वो धमाका करेगा या आग लगेगी। इसकी बहुत ज्यादा अच्छी एग्जांपल आपको आजकल के हालात के हिसाब से दे सकता हूँ। आजकल की सर्दियां चूंकि आपने अक्सर सुना होगा, रात को गैस, खबरों में हम सुनते हैं गैस भर गई और सुबह को दरवाजा खोला, पंखा चलाया तो आग लग गई। इसका एक केस स्टडी आपको बताता हूँ। एक स्कूल में इसी तरीके से हुआ कि रात को लाइब्रेरी में, बंद लाइब्रेरी थी, किसी ने गैस का हीटर चलता छोड़ दिया। गैस अब आपको पता है कि फ्लेमेबल है और गैस जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव भी है और उसको आग भी लगती है। तो LPG गैस उस रूम में, उसके वेपर्स इतने ज्यादा क्रिएट हो गए और वो भर गया रूम LPG वेपर्स के थ्रू। अब हवा मौजूद है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन मौजूद हो गई। नंबर 2 पे उसके लिए वेपर्स मौजूद हो गए। अब उसको चाहिए एक इग्निशन सोर्स। अब कमरे के अंदर अगर इग्निशन सोर्स देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी होगा, माचिस भी होगी। तो जरूरी नहीं है कि फौरन माचिस जलाने से वो कमरा भड़क उठेगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला जाएगा तो अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, बाहर ऑक्सीजन की वॉल्यूम और प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन रश इन अंदर की तरफ करेगी। तो जैसे ही अगर ऐसे कमरे का दरवाजा खोला जाए तो एकदम ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगी और धमाका क्रिएट करेगी। तो लिमिट की बात थी। अब कुछ क्लासेस हैं, हम फ्लेमेबल लिक्विड्स को सर्टेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C और इसकी कैटेगराइजेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैश पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिक्विड जिनका फ्लैश पॉइंट 23 सेल्सियस से कम है वो क्लास A कहलाते हैं, जिनका 23 डिग्री सेल्सियस से कम है वो क्लास 1B कहलाते हैं, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट 38 से अबव होता है। 1C वो जिनका 24 से 38 डिग्री सेल्सियस में हो तो वो 1C कहलाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो 1A का बॉइलिंग पॉइंट बिलो 38 डिग्री सेल्सियस है, 1B का एट और अबव 38 डिग्री सेल्सियस है। तो एग्जांपल्स पे अगर हम आए, क्लास 1A डाईइथाइल ईथर, पेंटेन, लिग्रोन, पेट्रोलियम ईथर होते हैं। क्लास 1B में एसीटोन बेंजीन आते हैं और क्लास 1C में पीजाइलीन आते हैं। अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशन अब करें कंबस्टिबल लिक्विड्स की, यानी है तो ये लिक्विड लेकिन हमने बात की कि इनका जो फ्लैश पॉइंट है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो उसमें क्लास 2, क्लास 3A, क्लास 3B हम उसको लेते हैं। 39 से 60 डिग्री सेल्सियस क्लास 2 होता है। 61 से 93 सेल्सियस पे अगर किसी का फ्लैश पॉइंट है तो वो 3A कहलाता है और अगर 93 सेल्सियस या उससे ज्यादा है तो वो क्लास 3B कहलाएगा। एग्जांपल्स लें तो क्लास 2 में डीजल फ्यूल, मोटर ऑयल, केरोसिन, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स आ जाते हैं। ये कंबस्टिबल लिक्विड्स हैं जिनके फ्लैश पॉइंट लो है, यानी 39 से 60 सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर स्टोर करेंगे और ओपन स्टोर करेंगे तो इनके फ्लेमेबल लिक्विड्स के फ्लैश पॉइंट बन जाएगा और उसके वेपर्स क्रिएट हो सकते हैं। फिर पेंट, ऑयल बेस, मिनरल ऑयल्स वगैरह जो है वो 61 से 93 डिग्री सेल्सियस है और 93 सेल्सियस या उससे अबव जो है कुछ सर्टेन पेंट्स ऑयल बेस है और नीड्स फॉर होता है। आप लोगों ने अक्सर ये एक देखा होगा फ्लेमेबिलिटी या इसको रिएक्टिविटी चार्ट कहते हैं। इसमें 1 2 3 4 अक्सर ट्राइंगल की फॉर्म में अक्सर आपने ट्रक्स के पीछे ये चीज देखा होगा जिसमें ये ब्लू कलर शो करता है हेल्थ को और इसकी रेटिंग होती है 0 1 2 3। 0 का मतलब है कि वो लोअर स्टैंडर्ड पे है, 1 2 3 मॉडरेट हाई और वेरी हाई के स्टैंडर्ड है। फ्लेमेबिलिटी में रेड है, अगर कोई चीज 1 पे है तो दैट मीन्स वो लेस फ्लेमेबल है, अगर वो फ्लेमेबिलिटी में 3 में है तो इसका मतलब है वो हाईली फ्लेमेबल है। रिएक्टिविटी को येलो कलर से शो किया जाता है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को व्हाइट कलर से शो किया जाता है कि उसको कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। और MSDS में बेसिकली मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स होती हैं जिसमें उस मटेरियल के बारे में उसका कैश नंबर, मटेरियल के इंग्रेडिएंट्स, उसकी प्योरिटी और उसमें उसके हेल्थ हैजर्ड्स क्या होंगे, एनवायरनमेंट के हैजर्ड क्या होंगे, फायर हैजर्ड क्या होंगे, फायर को कैसे एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या होगा, हर चीज को बुझाने के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप बिजली की आग को आप पानी से नहीं बुझा सकते, तो लाइक वाइज सर्टेन केमिकल की आग को आप पानी से नहीं बुझा सकते क्योंकि अगर उस केमिकल की लगी हुई आग के ऊपर पानी फेंकेंगे तो पानी डिसइंटीग्रेट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिएट करेगा और आग लगने में बढ़ोतरी करेगा, वो आग उल्टा बढ़ेगी बजाय बुझने के। तो उसको ड्राई केमिकल पाउडर या CO2 या फोम की लेयर से बांध किया जाता है ताकि उसके ऊपर अभी पीछे देखा कि 95 फॉरन को हम कैटेगरी 1 लेते हैं तो इथाइल ईथर का फ्लैश पॉइंट -49 पे, कैटेगरी 2 एसीटोन 0 यानी 0 टेम्परेचर पर भी एसीटोन के वेपर जो हैं वो हवा में इवेपोरेट होंगे। कैटेगरी 3 में एमजाइलिन है 82 फारेनहाइट पे, क्लास 1C केरोसिन ऑयल जो है वो 140 से 162 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट पे होगा। सोर्सेज ऑफ इग्निशन हम पहले बात कर चुके थे, जैसे कि हमने स्टोरेज करनी थी तो सबसे पहले फ्लेमेबल लिक्विड की स्टोरेज के लिए हमें उसके सोर्सेज ऑफ इग्निशन को रोकना है। एक जगह पे हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल पड़ा हुआ है, तो इथेनॉल को बचाने के लिए वहां पर स्मोकिंग, स्टैटिक चार्ज, ओपन फ्लेम्स, कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कोई हॉट सर्फेसेज, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्पार्क्स और लाइटनिंग या लाइटनिंग अरेस्टर से बचाना जो है ये सोर्स बचाना होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कैसे आप मजे की चीज है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर मैं इसको पढ़ूं तो जनरेटेड व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप और फॉर्म एन ओपनिंग इनटू अ टैंक। Main hazards are fire and explosion from spark containing enough energy to ignite flammable vapor. ऐसी एनर्जी इलेक्ट्रिक तो स्टैटिक चार्जेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इग्निशन सोर्स के तौर पे और जो स्टैटिक चार्ज होते हैं कि कैसे कैसे करता है। अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग। हमारा फ्लेमेबल लिक्विड किसी कंटेनर में है तो उसको बॉन्ड करना क्या जरूरी होता है और ग्राउंडिंग क्या होती है। बॉन्डिंग ये होती है, हर मटेरियल के ऊपर आपको पता है एटम से मिलके बना है, एटम में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एक शेल से दूसरे शेल में जाने की वजह से होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब हम देखते हैं कि एक सर्टेन एलिमेंट के ऊपर, एक सर्टेन कंटेनर पे एक खास किस्म के चार्जेस जो है डेवलप होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल हम बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि हम कोम्ब को यानी बाल बनाने वाले कंघे को अपने बालों में जोर जोर से रगड़ते थे और उसके बाद हम कागज के टुकड़ों की छोटी छोटी पत्तियां बना के उसको देखते थे तो वो साथ उसके चिपक जाता था या टॉफी का रैपर उसके साथ चिपक जाता था। अब ये होता क्यों है? कंघे पे एटम्स हैं, लाइकवाइज हमारे बाल पे भी एटम है, जब हम उसको फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्ज बिल्ड हो जाता है कंघे पे और डाइपोल्स बन जाते हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि उसके एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं और जो दूसरा मटीरियल है उसके ऊपर एक सर्टन चार्जेस डिफरेंट होते हैं तो पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो चीज़ उसके साथ चिपक जाती है। अक्सर हम सर्दियों में वूल का स्वेटर अगर पहने तो अगर हम अंधेरे में वो स्वेटर उतारते हैं तो हमारी बगलों या उसके पास से करके चिंगारी सी, हमें ग्रीन से कलर की चिंगारी फील होती है। तो ये सब क्या है? स्टैटिक चार्ज। हम गाड़ियों में बैठे होते हैं, कारपेट वाली गाड़ी से हम जो ही उतरते हैं, दरवाजा बंद करते हैं तो या किसी मेटल को हाथ लगाते हैं तो हमें अचानक करंट सा फील होता है। वो क्या होता है? स्टैटिक चार्ज। मस्जिद में अगर हमारी मस्जिद में कारपेट है और हम जुराब पहन के चल रहे हैं और एकदम मस्जिद के दरवाजे को खोलते हैं और हमें जो करंट फील होता है वो क्या होता है? स्टैटिक चार्ज। तो बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है? दो चीजों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना, यानी दो केमिकल के कंटेनर्स हैं, एक पे सर्टेन चार्ज होगा, दूसरे पे दूसरा चार्ज है। अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है और उससे आप एक बड़े कंटेनर से स्मॉल कंटेनर में ले रहे हैं केमिकल, फ्लेमेबल केमिकल, तो पोटेंशियल डिफरेंस की चेंज की वजह से वहां पर आग लग सकती है। अब आग कैसे लगेगी? हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, केमिकल वो इटसेल्फ मौजूद है, पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने की वजह से, दो कंटेनर के पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने की वजह से, स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलेगा और वो स्पार्क उसको आग लगाने में मदद देगा। तो दो कंटेनर्स को एक कॉपर की वायर से आपस में कनेक्ट करना क्या है? वायर। अब दो कंटेनर्स को हमने एक बॉन्ड वायर से कनेक्ट करके उनका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम कर दिया, लेकिन अर्थ में या ग्राउंड में हमने उनको कनेक्ट नहीं किया, तो उसके लिए हमें एक ग्राउंड वायर चाहिए ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर चार्ज बिल्ट अप होता है दोनों कंटेनर्स पे, तो वो जमीन के अंदर अर्थिंग में चला जाए और इलेक्ट्रिक करंट या स्पार्क जनरेट ना हो। ये एग्जाम्पल आप देखें कि एक ड्रम है जिसमें एक फ्लेमेबल लिक्विड है, उस ड्रम को हमने अर्थिंग वायर से जमीन में अर्थ किया हुआ है ताकि उस ड्रम पे कोई भी किस्म का चार्ज जो जमा होगा वो कहाँ चला जाए? अर्थ में। अब इस ड्रम से अगर हम इस स्मॉल कंटेनर में वो लिक्विड लेते हैं तो ये दोनों चीजें भी आपस में बॉन्डिंग हुई हुई है, यानी इन दोनों का इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये वायर जा रही है ग्राउंड में। अब जब इस कंटेनर को इससे हम कोई फ्लेमेबल लिक्विड इसके अंदर पोर करेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा, इसकी वजह से स्टैटिक चार्ज बिल्ड करके आग लग सकती है। लेकिन जब ये दोनों बॉन्डेड हुए हुए हैं और ये पूरी चीजें अर्थ हुई हुई हैं, तो इसका केमिकल जब इसके अंदर जाएगा तो प्रॉपर ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग की वजह से कोई स्टैटिक चार्ज बिल्ड नहीं होगा और ये फ्लेमेबल। हम MSTS के पास देते हैं। वेंटिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लेमेबल लिक्विड के लिए हमेशा वेंटिलेशन का एडिक्वेट होना, यानी एयर का चेंज होना, ताकि उसके वेपर्स किसी एक जगह पर इकट्ठे ना हो और वो मूव करके एक जगह से दूसरी जाए, बहुत जरूरी है। वेस्ट सेकेंडरी कंटेनमेंट्स में रखें। फ्लेमेबल लिक्विड्स जो हैं वो फ्लेमेबल कैबिनेट में होते हैं। ये कैबिनेट ऐसी होती है जो कि फायर रेजिस्टेंट, फायर रिटार्डेंट कैबिनेट होती है। इसके अंदर ग्लास फूल लगी होती है, मेटेलिक। ये 30 मिनट से लेके 90 मिनट तक प्रोटेक्शन देखती है। अगर बाहर आग लगी है तो वो आग कंटेनर्स को नहीं लग सकती। एम्प्टी ड्रम्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए। ये सारी वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि बैड प्रैक्टिस है। ऐसे केमिकल ड्रम्स जिनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, कोई MSTS नहीं लगी हुई, कुछ पता नहीं चल रहा और वो ओपन एयर में पड़े हुए, वो डेंजरस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ओपन पड़े हुए, ये भी ओपन पड़े हुए और साथ स्टोरेज मटेरियल, इंतहाई नाके स्टोरेज मटेरियल साथ, ये भी गलत है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस के केमिकल्स को स्टोर करने के लिए उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। नीचे ये देखें, अगर हम ये चीज देखते हैं तो ये सेकेंडरी कंटेनमेंट में एक तरह का केमिकल एक लेयर में पड़ा हुआ, डिफरेंट किस्म के केमिकल डिफरेंट जगह पे पड़े हुए हैं, उनकी MSDS और उनकी तमाम की तमाम चीजें वहां पर डिटेल। ये डायरेक्ट सनलाइट में भी एक्सपोज नहीं है, इसी तरीके इसके अंदर रखा हुआ है। ये एक आइडियल सिनेरियो अगर हम देखें कि फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया रखा हुआ है, स्पिल किट हमारे पास मौजूद है, हाईली फ्लेमेबल कैबिनेट्स हमने फ्लेमेबल कैबिनेट में रखे हुए हैं और बाकी जो लो कैटेगरी 1-2 के केमिकल्स हैं उनको हमने पैलेट्स पे और सेकेंडरी कंटेनमेंट में रखा हुआ है। बंदे ने प्रॉपर सेफ्टी शूज पहने हुए हैं जिनमें स्टैटिक चार्ज बिल्ट नहीं होता, मटेरियल रबर वाला इंसुलेटेड है और प्लेस हो रहा है। और कुछ जो हाईली फ्लेमेबल हैं उनको भी ड्रम को प्रॉपर हैंडलिंग के थ्रू एक फ्लेमेबल कैबिनेट में रख के और कैबिनेट को क्लोज कर दिया जाता है और बंदा आपकी किट में मौजूद है। इस तरह के भी फ्लेमेबल कैबिनेट्स हैं, ये रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम भी लगा होता है, फोम सिस्टम्स भी लगे होते हैं और वो सेकेंडरी कंटेनमेंट, ये जो ब्लैक कलर की है ये सेकेंडरी कंटेनमेंट में